हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आशीष शर्मा हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल EMCIQ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अब स्टार्ट हो चुकी होगी, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुके, किसी के और के रह रहे हो अलग बात है, और अभी आपके रिटर्न एग्ज़ाम की डेट आने वाली है। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारी जो टीम है पूरी, वो अभी किसी पर्सनल इश्यूज़ में फंसी हुई है, उसकी वजह से मैं और हमारी टीम वीडियोज़ नहीं बना पा रहे थे और अब भी शायद नहीं बना पाएंगे। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैथमेटिक्स के जो कमेंट आ रहे हैं, बच्चों के जो स्टूडेंट्स के जो कमेंट आ रहे हैं, उसके हिसाब से आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट, ओके, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं, ठीक है ना, उनको बना सकूँ। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब जो आज से जो हम स्टार्ट करेंगे, वो क्या करेंगे, BSc फाइनल ईयर। जो सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए पहले से वीडियो पड़े हुए हैं। जैसा आपका पैटर्न आने वाला है, जितना दिख रहा है कि 50% 60% के हिसाब से आएगा, तो उसके हिसाब से सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स के वीडियो पड़े हुए हैं। केमिस्ट्री के तो फाइनल ईयर के भी पड़े हुए हैं और सेकेंड ईयर के भी पड़े हुए हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। और कोई इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होगा, और यदि सर फ्री हो जाते हैं यदि आपके केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के पहले, तो वो आपके वीडियोज़ बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब जो हम मैथ्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो क्या है, BSc फाइनल ईयर, ठीक है ना। BSc फाइनल ईयर हम स्टार्ट करेंगे, और BSc फाइनल ईयर में क्या स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम हमारे क्या क्या इसका पैटर्न क्या क्या है BSc फाइनल ईयर का, ठीक है। BSc फाइनल ईयर में हमारे क्या है, तीन पेपर है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड। तीन पेपर है हमारे। पहला पेपर कौन सा है, रियल एनालिसिस, जिसमें दो बुक्स है हमारे पास, एक तो है रियल एनालिसिस और एक है अपने पास थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस, वास्तविक विश्लेषण, और ये क्या है, अभिसरण सिद्धांत। पेपर सेकंड किसका आता है अपने पास, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसकी बुक कौन सी है, हायर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, उच्चतर सम्मिश्र। और पेपर थर्ड है जो, वो क्या है अपने पास, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, ये इसी बुक का भी नाम है, ठीक है ना। तो ये अपने पास कितने पेपर है टोटल मैथ्स के, तीन पेपर होते हैं, ठीक है। तीनों कितने कितने मार्क्स के होते हैं, 75 मार्क्स, 75 मार्क्स और 75 मार्क्स। अब जो आपका पैटर्न है, जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले आपने भी न्यूज़ में पढ़ा होगा कि मतलब 50% की बोल रहे हैं। अब ये एक तो सेक्शन वाइज 50% होता है और एक मार्क्स वाइज 50% होता है, तो किस हिसाब से, जैसा कि न्यूज़ में थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर लेवल से बताया गया था कि सेक्शन वाइज होगा, तो अभी क्लियर कट आंसर नहीं है कि अपने पास पैटर्न कैसे होगा, तो हम उसके हिसाब से पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। अभी उसको हम बाद में भी, जब पैटर्न आएगा तो जो जो चैप्टर्स हम पढ़ लेंगे, तो उसमें से हम डिस्कस कर लेंगे कि किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है और किसको नहीं देनी है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब देखो हम स्टार्ट कौन सा करने जा रहे हो, कौन सा पेपर स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आप जैसा हमने पिछले सेकंड ईयर के लिए किया था कि हमने एक पेपर स्टार्ट किया, फिर उसको कंप्लीट किया, फिर सेकंड पेपर स्टार्ट किया। इस बार थोड़ा अलग है, इस बार हम तीनों को साथ लेके चलेंगे, ठीक है ना। पेपर फर्स्ट के कुछ वीडियोस बनाऊंगा, फिर पेपर पेपर सेकंड के बनाऊंगा और कुछ पेपर थर्ड के बनाऊंगा। इससे क्या होगा, किसी बच्चे के पेपर फर्स्ट कंप्लीट होगा तो वो पेपर सेकंड पढ़ लेगा, और ये कंप्लीट होगा जो पेपर थर्ड पढ़ लेगा, इस तरह से चलेंगे हम, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, आज हम जो कौन सा वीडियो, मतलब आज कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे पेपर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम, और पेपर फर्स्ट में भी क्या स्टार्ट करेंगे, रियल एनालिसिस की वाली जो बुक है वो स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो ये पढ़ रखी होगी, क्योंकि इसमें अपने पास क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है, ये MDSU जो यूनिवर्सिटी है अजमेर, MDSU अजमेर के हिसाब से उसके सिलेबस को ध्यान में रखे हुए बनाया जा रहा है। आप कोई स्टूडेंट किसी और यूनिवर्सिटी से हो, तो वो ध्यान रखे कि उसका सिलेबस क्या है, पहले चेक कर ले, उसके हिसाब से वो वीडियो को यूज़ ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ये अपना क्या है, ये रियल एनालिसिस वाली बुक है, ठीक है ना। उसके क्या कौन कौन से चैप्टर है, ये चैप्टर है उसमें, जो ये वाला ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें तीन पार्ट है इस बुक में भी। फर्स्ट पार्ट में ये दो चैप्टर है, सेकंड पार्ट में ये चार चैप्टर है, और थर्ड पार्ट में ये एक चैप्टर है। ये जो फर्स्ट पार्ट का ये दोनों चैप्टर और सेकंड पार्ट के ये दोनों चैप्टर, लिमिट और कंटिन्यूटी, ये दोनों, ये चारों किस में आते हैं, फर्स्ट यूनिट में। बाकी बचे हुए डिफ्रेंशिएबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम्स और रायमन इंटीग्रल, और
एक और बुक है अपने पास, थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस, उसके दो चैप्टर। ये पांचों चैप्टर मिला के किस में आते हैं, सेकेंड यूनिट में। और फिर बचे जो उसके चैप्टर होंगे थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस के, वो किस में आते हैं, थर्ड यूनिट में। तो इस तरह यूनिट का डिवाइडेशन हो रहा है। तो अब सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में भी हम बात करें तो चार चैप्टर बताए मैंने आपको, 1, 2, 3, 4। आप इन दोनों को पढ़ लो, मतलब मैक्सिमम चांस ये रहता है कि सारे क्वेश्चन आप इससे कंप्लीट कर लोगे, इन दोनों से, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, इन दोनों चैप्टर को पढ़ना है यूनिट फर्स्ट के लिए। कुल मिला के रियल एनालिसिस वाली बुक में आपको ये चारों चैप्टर पढ़ने हैं, बस इतना ध्यान रखो आप, ठीक है ना। तो रियल वाली बुक में आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ये चारों चैप्टर पढ़ने हैं। ये चारों चैप्टर पढ़ लो, आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर हमको कौन सी बुक पढ़नी है, इसकी सेकंड बुक। इसकी सेकंड बुक कौन सी है, ये अपने थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस यानी अभिसरण सिद्धांत, उसके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो पढ़ लेंगे, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। और मेरा कुछ एक्सपीरियंस है, हमने, ठीक है। तो अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कौन सा चैप्टर है हमारा, लिमिट यानी सीमा। ये चारों चैप्टर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपने 11th 12th में पढ़ रखे हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, कुछ छोटे मोटे चेंजेस है वो जो हम देख लेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिमिट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इजी चैप्टर है, ठीक है ना। तो इजी चैप्टर है तो हम उसको आसानी से निपटा लेंगे, ठीक है ना। इजी भी करेंगे, हार्ड वाले भी करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो लिमिट वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। अब देखो हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट लिमिट, ठीक है ना। सीमा, चैप्टर का क्या नाम है, सीमा, किसी का और का भी नाम हो तो देख लेना। अब देखो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट लिमिट, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें सीखनी है हमको, एक चीज़ जो आपको पहले से आती है और एक चीज़ जो नई ऐड है इसमें, ठीक है। सबसे पहले तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, फलन की सीमा का अस्तित्व, क्या है फलन की सीमा का अस्तित्व। कि कोई हमको फंक्शन दे रखा है, ठीक है ना, कोई हमको फंक्शन दे रखा है और हमको क्या निकालना है, कोई भी एक फंक्शन दे रखा है हमको और हमको पूछ लिया कि इसकी फलन की सीमा का, मतलब इस फलन की सीमा का अस्तित्व है या नहीं है, ऐसा पूछ लिया तो हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, दो नाम बोलूँगा मैं, एक तो आता है बाई सीमा और एक आता है हमारे पास दाई सीमा, ठीक है। जब ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाती, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो हम क्या निकालते हैं किसी भी फलन की, सबसे पहले निकालते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे LHL लिख देना, ठीक है ना। क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट RHL, ठीक है। कैसे निकालते हैं ये, कोई भी हमको एक पॉइंट दे दिया जाएगा, ठीक है ना, कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहले आपको ये वाली चीज़ आनी चाहिए कि फलन की सीमा का अस्तित्व निकालना हो आपको, तो एक तो होती है बाई सीमा LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और एक होती है दाई सीमा RHL। दोनों यदि बराबर आ जाती है, दोनों की वैल्यू यदि इक्वल आ जाती है, ठीक है, दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो हम क्या कह देंगे कि फलन की सीमा का अस्तित्व होगा, और यदि दोनों की वैल्यू अलग अलग आती है तो हम क्या कहेंगे, सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। पहली बात तो ये, अब बात करते हैं, ये तो हो गए हम जो जो पुराना हम पढ़ते, एक और आती है सीमा की, एक और डेफिनेशन आती है सीमा की, एप्साइलन डेल्टा परिभाषा। क्या आती है, सीमा की एप्साइलन डेल्टा परिभाषा। इसमें क्या होता है देखो, कि इसकी डेफिनेशन ध्यान से पढ़ लेना, ये डेफिनेशन डेड नंबर में आती है। सीमा की एप्साइलन डेल्टा परिभाषा हमको डेड नंबर में हर साल पूछा जाता है, ठीक है ना, लगभग लगभग हर ईयर पूछा जाता है। क्या होती है परिभाषा, कि प्रत्येक एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो के लिए, प्रत्येक एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो के लिए कोई ऐसी धनात्मक संख्या, कोई ऐसी धनात्मक संख्या डेल्टा, क्या हो, कि प्रत्येक एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो के लिए कोई ऐसी धनात्मक संख्या डेल, जो ये डेल है वो किस पर आधारित होती है, एप्साइलन पर ही आधारित होती है, एप्साइलन पर आधारित हो, कि
ओ की मोड एफ ओ एक्स माइनस एल की वैल्यू लेस देन किससे हो, एप्साइलन से, जबकि जो एक्स माइनस ए के मोड की जो वैल्यू है वो जीरो से तो बड़ी होती है और डेल से क्या होती है, छोटी होती है। सॉरी, यहाँ पे डेल नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डेल नहीं आके क्या आएगा, एप्साइलन, ठीक है ना। ये परिभाषा है, देखो ये किसकी परिभाषा है, सीमा की एप्साइलन डेल्टा परिभाषा। क्या है ये, कि प्रत्येक एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो के लिए कोई ऐसी धनात्मक संख्या डेल जो किस पर आधारित हो, एप्साइलन पर ही आधारित हो कि एफ ओ एक्स माइनस एल का मोड है उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, एप्साइलन से छोटी आनी चाहिए। जबकि ये चीज़ हमको दी हुई है कि एक्स माइनस ए के मोड की वैल्यू जो है वो जीरो से तो बड़ी है और एप्साइलन से छोटी है। अब देखो इसका यूज़ कैसे लेना है वो बड़ी बात है। एक तो आपको डेफिनेशन डायरेक्ट पूछ सकता है, तो आपको ये चीज़ लिखनी है जो मैंने अभी यहाँ पे लिखी है, प्रत्येक से लगा कर यहाँ तक ये आपको लिखना है, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो डेढ़ नंबर में पूछा जाता है इसकी डेफिनेशन कि सीमा की एप्साइलन डेल्टा परिभाषा, ठीक है ना। तो आप इसको तो ऐसे पढ़ ही लो। अब ये अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन अब जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपको ये डेफिनेशन आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं हमारे एग्जांपल्स की ओर। दो चीज़ें हमको समझ ली है, कुछ क्वेश्चंस में हमको ये वाला मेथड यूज़ लेना होगा और कुछ वाले क्वेश्चंस में हमको ये वाला मेथड यूज़ लेना होगा। जैसे ये हमने ये लगाई है ना, ये एक तरह से क्या हो गया, प्रतिबंध हो गया, कि ये प्रतिबंध यदि लागू हो जाता है मतलब वहाँ पर सीमा का क्या होगा, अस्तित्व होगा, और यदि प्रतिबंध लागू नहीं होता है मतलब सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। और यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, यदि दोनों वैल्यू बराबर आ जाती है तो सीमा का अस्तित्व होगा, और दोनों अलग अलग आती है तो सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की ओर। ये हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, ये आपको मैं बता देता हूँ बुक में पेज नंबर 8 पे है, ठीक है ना। जो हमारा पार्ट सेकेंड है उसके पेज नंबर 8 पे है ये फर्स्ट एग्जाम्पल। क्या है हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, कि सीमा की एप्साइलन डेल्टा परिभाषा से सिद्ध करो। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 3 नंबर में पूछ लिया जाता है कि सीमा की एप्साइलन डेल्टा परिभाषा से सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है हमको, कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यानी एक्स की वैल्यू है जो जीरो की ओर अग्रसर है, एक्स साइन 1/x इक्वल टू जीरो की, इस ये वाला हमारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। इस फंक्शन पर जब हम सीमा का मान, इस फंक्शन की सीमा का मान क्या होगा, हमेशा जीरो होगा, यानी इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी, जीरो होगी। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है, और किसके थ्रू प्रूव करना है, एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा से। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। अब देखो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले तो एक सीमा की परिभाषा आपको आनी चाहिए, सीमा की परिभाषा यानी लिमिट की डेफिनेशन, सीमा की परिभाषा से। सब में यही मेथड रहेगा, आप ध्यान से देख लेना, कि सीमा की परिभाषा से हम क्या बोल सकते हैं, कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो या एक्स टेंस टू ए कर लो, कोई भी पॉइंट हो सकता है, किसी भी पॉइंट पर लिमिट निकाल सकते हैं। यहाँ पे जीरो के लिए बोल रहे हैं हमको, हम तो एक जनरल फॉर्मूला देख रहे हैं कि सीमा की जनरल डेफिनेशन क्या होती है, कि सीमा की परिभाषा से लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ओ एक्स कोई फंक्शन हो गया इक्वल टू एल, ये क्या हो गया, सीमा की जनरल डेफिनेशन, ठीक है ना। ये इसका फंक्शन हो गया और ये इसकी क्या हो गई, लिमिट हो गई। ये क्या हो गया, हमारी लिमिट की डेफिनेशन। अब देखो इन दोनों को कंपैरिजन करो, ये तो हमको क्वेश्चन में दे रखा है प्रूफ के लिए, और ये हमने सीमा की परिभाषा जनरल परिभाषा लिखी। इन दोनों को यदि हम कंपेयर करेंगे तो देखो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, कंपैरिजन करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स साइन 1/x, ठीक है। लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो, क्योंकि लिमिट पहले से गिवन है हमको। और देखो पॉइंट कौन सा आ रहा है, पॉइंट आ रहा है मतलब एक की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। तो तीनों चीज़ों हमने क्या कर ली, कंपेयर कर ली। क्या क्या कंपेयर किया हमने, एफ ओ एक्स यानी फंक्शन की वैल्यू आ गई, लिमिट की वैल्यू आ गई, और जो जिस पॉइंट पे हमको लिमिट फाइंड करनी थी वो पॉइंट भी आ गया हमारे पास। तीनों चीज़ें आ गई हमारे पास। अब क्या करेंगे हम, अब ये एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा का उपयोग करेंगे। एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा हमने अभी जस्ट पढ़ी है, क्या होती है, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए, ये होती है ना, प्रत्येक एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो के लिए हमने दो चीज़ें देखी थी यहाँ पे। पहली हमने क्या देखी, ये निकालना होता है हमको, क्या प्रूव करना होता है, एफ ओ एक्स माइनस एल लेस देन एप्साइ, ये हाँ एप्साइलन,
ये चीज़ हमको प्रूव करनी है कि जो एफ ऑफ एक्स माइनस एल की जो वैल्यू है वो किससे लेस देन होती है, एप्सिलॉन से लेस देन होती है। मतलब हमको ये वाली साइड लेके चलनी है और ये वाली साइड हमको क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो देखो कैसे करूँगा मैं, ध्यान से देखना कि मुझे क्या चाहिए। एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, फंक्शन क्या है, एक्स साइन वन बाई एक्स माइनस एल की वैल्यू क्या है मेरे पास, जीरो, यानी लिमिट क्या है मेरे पास, जीरो। उसका क्या चल रहा है, मोड। कोई दिक्कत है आपको इसमें, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। इसको एज इट इज़ हमको ये चीज़ तो हमको प्रूव करनी है, तो इसको तो रहने दो, हमको केवल ये चीज़ लेके चलनी है, ठीक है। इस फंक्शन से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, एक्स साइन वन बाई एक्स, ठीक है। पूरे के ऊपर मोड है तो हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं कि मोड एक्स अलग हो गया और साइन वन बाई एक्स अलग हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ देखना आप, ये मोड एक्स तो मेरा एज इट इज़ है। अब एक चीज़ बताओ, साइन वन बाई एक्स, साइन वाला फंक्शन होता है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, तो साइन की वैल्यू हमको पता है कहाँ तक होती है, माइनस वन से लेकर प्लस वन तक होती है, इसके बीच में ही इसकी वैल्यू रहती है। माइनस वन से लेकर मतलब मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस वन, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, प्लस वन। लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मोड लगा हुआ है, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मोड लग गया मतलब इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी, वन होगी। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, वन। तो इसकी क्या वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे, वन, ठीक है ना। ये चीज़ हमको यहाँ पे देखनी है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास क्या बचा, अब केवल मोड एक्स बचा, ठीक है ना। तो मतलब एफ मोड, ये एफ ओ एक्स माइनस एल के मोड की वैल्यू हमको क्या मिल गई है, मोड एक्स। लेकिन अभी हमको आंसर नहीं मिला, हमको क्या बताना है कि इसकी वैल्यू है जो लेस देन होती है किससे, एप्सिलॉन से लेस देन होती है। अब हमने एक और चीज़ लिखी थी जब हम एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा लिख रहे थे कि जबकि एक कंडीशन हमको पहले से गिवन है, क्या गिवन है कि मोड एक्स माइनस ए की जो वैल्यू है वो जीरो से तो बड़ी होती है और एप्सिलॉन से क्या होती है, छोटी होती है। तो एक चीज़ देखना, जीरो मेरा एज इट इज़ है, ये ग्रेटर देन एज इट इज़ है, एक्स एज इट इज़ है, माइनस ए की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ए मतलब जिस पॉइंट पे हमको लिमिट निकालनी है, तो ए की वैल्यू आई है हमारे पास जीरो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, जीरो, ये मोड और ये लेस देन एप्सिलॉन, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोड एक्स की वैल्यू किससे छोटी है, एप्सिलॉन से छोटी है, किससे छोटी है, एप्सिलॉन से छोटी है। तो एक चीज़ हमको और दिख गई यहाँ पे कि देखो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, ठीक है, मोड एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एप्सिलॉन से छोटी आ रही है। लेकिन हमको ये थोड़ी फाइंड करना है, हमको क्या फाइंड करना है, अब देखो ये जो मोड एक्स है ये वैल्यू कहाँ से आई थी अपने पास, एफ ओ एक्स माइनस एल के मोड से, इसी से आई थी। मतलब मैं मोड एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, मोड एफ ओ एक्स माइनस एल, यहाँ पर क्या लिख दूंगा, मतलब कि मोड एफ ओ एक्स माइनस एल और लेस देन एप्सिलॉन। और ये तो चीज़ हमको प्रूफ करनी थी, मतलब ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, यानी हमने प्रूव कर दिया कि जो वो लिमिट थी वो बिल्कुल क्या थी, सही थी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, बहुत इजी है, बहुत, आप एक दो बार करके देखो तो बहुत इजी है। हमको क्या करना है कि सीमा की एप्सिलॉन डेल परिभाषा से हमको क्या सिद्ध करना है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स साइन वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये मतलब लिमिट क्या होगी, जीरो। सबसे पहले तो हमको सीमा की परिभाषा आनी चाहिए, क्या होती है सीमा की परिभाषा, कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ओ एक्स इक्वल टू एल। इन दोनों का मैंने कंपैरिजन किया तो यहाँ से जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं वो पॉइंट तो वहाँ क्या है, जीरो। फलन की वैल्यू क्या है, एक्स साइन वन बाई एक्स, और लिमिट क्या आ रही है, जीरो। फलन ये हो गया, लिमिट ये हो गई, और पॉइंट ये हो गया। तो हमको परिभाषा आती है, क्या आती है, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या होता है, मोड एफ ओ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। ये हमको क्या करना होता है, प्रूव करना होता है, टू प्रूव, ये हमको क्या करना होता है, प्रूव करना होता है। तो मैं इस वाली साइड को लेके चलूँगा, तो देखो एफ ओ एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एक्स साइन वन बाई एक्स माइनस एल की जगह मैं क्या लिख दूंगा, जीरो। तो ये क्या बचेगा, एक्स साइन वन बाई एक्स, दोनों मल्टीप्लाई में है तो दोनों के ऊपर मोड है तो दोनों को अलग अलग कर लूँगा, तो क्या आ जाएगा, मोड एक्स अलग आ जाएगा और एक्स साइन वन बाई एक्स अलग आ जाएगा। साइन की कुछ भी वैल्यू रख लो, मोड आ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, वन ही जाएगी, ठीक है ना। तो मोड एक्स इंटू क्या हो जाएगा, वन। तो यहाँ पे क्या बचे हमारे पास, केवल मोड एक्स, यानी मोड एफ ओ एक्स माइनस एल की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, मोड एक्स। अब एक चीज़ और हमको कंडीशन पहले से गिवन रहती है, क्या रहती है, कि मोड एक्स माइनस ए की जो वैल्यू है
वो जीरो से तो बड़ी होती है और एप्साइलन से छोटी होती है। तो ए तो यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, केवल मोड एक्स। अब देखो मोड एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मोड एफ ओ पैक्स माइनस एल। तो यहाँ पे क्या बचेगा कि जो मोड एफ ओ पैक्स माइनस एल की वैल्यू, वो जीरो से तो बड़ी है और एप्साइलन से छोटी है। इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये जो कंडीशन है वो हमने प्रूव कर दी। इसका मतलब जो पहले हमको गिवन था कि एक्स साइन वन बाई एक्स की जो लिमिट है वो जीरो है, वो क्या है, जीरो है। इसका मतलब ये क्या है, बिल्कुल सही है। आई चीज़ समझ में। तो इस तरह से हमको सोल्व करना होता है। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा हो कि इसको एप्सिलॉन डेल परिभाषा से सिद्ध करो, तो आपको इससे ही प्रूफ करना पड़ेगा। बाकी आप कौन से वो वाले मेथड से भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन आपको दे रखा होगा तो आपको इससे ही सोल्व करना पड़ेगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन की ओर। ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। इसमें भी क्वेश्चन वही है कि इसको एप्सिलॉन डेल परिभाषा से ही सिद्ध करना है, ठीक है ना। वहाँ पर साफ साफ बुक में लिख रखा है, आप पढ़ सकते हो। क्या क्वेश्चन क्या दे रखा है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस ए इक्वल टू टू ए। मतलब हमको प्रूव करना है कि जो ये फलन है इसकी लिमिट क्या है इस पॉइंट पर, टू ए, ठीक है ना। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। तो सबसे पहले तो क्या आता है, वही चीज़, सीमा की परिभाषा से। सीमा की परिभाषा से हम क्या कहेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ओ एक्स इक्वल टू एल। तो देखो सबसे पहले तो पॉइंट का कंपैरिजन करेंगे, तो पॉइंट तो वही है ए, यानी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। फिर हम बात करेंगे फंक्शन की कि फलन क्या है हमारे पास। तो फलन है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, और लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट है अपने पास टू ए, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना है, थोड़ा इधर कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एप्सिलॉन डेल परिभाषा से प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या होता है, मोड एफ ओ एक्स माइनस एल। ये हमको क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। या तो आप ऐसा लिख लो कि एप्सिलॉन, ये क्या चीज़ करनी है हमको, फाइंड, सॉरी प्रूव करनी है, यानी टू प्रूव। अब हमको कौन सी साइड लेके चलनी है, ये वाली साइड लेके चलनी है कि मोड एफ ओ एक्स माइनस एल, ठीक है। तो देखो एफ ओ एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास, कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, और एल की वैल्यू कितनी है, टू ए। और पूरे के ऊपर क्या लग रहा है, मोड। इसको सोल्व करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, और डिवाइड में क्या चल रहा है हमारे पास, एक्स माइनस ए, और माइनस में क्या चल रहा है, टू ए। ये एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्स प्लस ए माइनस टू ए। इसमें क्या बचेगा अपने पास, एक्स माइनस ए, यही बचा। और ये किसकी वैल्यू है, मोड एफ ओ एक्स माइनस एल की वैल्यू है। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, ये तो बहुत इजी है। आपको एक साइड लेके चलनी है और उसका मान निकाल दिया हमने। अब हमको जो गिवन कंडीशन है उसका यूज़ लेना है। गिवन क्या कंडीशन है हमारे पास, कि जबकि एक्स माइनस ए की जो वैल्यू रहती है वो क्या होती है, जीरो से बड़ी और एप्साइलन से छोटी। तो यहाँ पे जीरो एज इट इज़ है, एक्स एज इट इज़ है, यहाँ पे ए की वैल्यू भी यही है, तो ये भी एज इट इज़ रहेगा, और ये अपने पास लेस देन एप्साइलन भी एज इट इज़ है। अब देखो जीरो एज इट इज़ है, ये एक्स माइनस ए की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, एफ ओ एक्स माइनस एल माइनस ये मॉड और लेस देन एप्साइलन। और यही तो चीज़ हमको प्रूव करनी है। मतलब हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव। मतलब जो ये लिमिट है, क्वेश्चन में हमको दे रखा था कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस ए की जो लिमिट है वो टू ए, बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, ठीक है। ये हमारा एग्जांपल नंबर थर्ड है। एग्जांपल थर्ड क्या है, हमको प्रूव करना है, क्या चीज़ प्रूव करनी है, कि लिमिट एक्स टेंस टू ए साइन वन अपॉन एक्स माइनस ए का अस्तित्व नहीं है। मतलब इसकी कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। हमको यहाँ पे ऐसा कोई नहीं बोल रखा है कि आप एप्सिलॉन डेल परिभाषा से करो या कौन से मेथड से करो। यदि हमको कहीं कुछ नहीं बोल रखा हो तो हमें हमारा सिंपल सा मेथड यूज़ लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल सा मेथड कौन सा है, सबसे पहले बाई सीमा निकालो फिर दाई सीमा निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मैं सबसे पहले बाई सीमा निकालता हूँ, ये मैंने बाई सीमा कैसे निकालते एक बार देख लेना, आप भूल गए होंगे। तो कि सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी बाई सीमा। बाई सीमा के लिए मैं क्या करता हूँ,
बाई सीमा के लिए हम क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ एक्स है, बाई सीमा मतलब क्या हो रहा है, देखो कोई भी एक अपने पास नंबर लाइन है, ये अपना क्या है, जीरो है, तो बाई ओर जाते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है, और दाई ओर जाते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। ये चीज़ तो हमको समझ में आती है। तो जब भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ हम क्या करते हैं, क्योंकि ये सारा फलन किसके रूप में चल रहा है, एक्स के रूप में चल रहा है, ठीक है। तो एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा, जो पॉइंट होगा हमारा, जिस पॉइंट पे हम लिमिट निकालनी है, जिस पॉइंट पे लिमिट प्रूव करनी है, क्या पॉइंट क्या है हमारे पास, ए, उसमें से क्या माइनस कर दूंगा, एच, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ पे जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो उसमें जहाँ जहाँ एक्स होगा फंक्शन में, वहाँ हम क्या लिख देंगे, जिस पॉइंट पे हम लिमिट निकाल रहे हैं उसमें से क्या माइनस कर देंगे, एच, और यदि राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो उसमें क्या प्लस कर देंगे, एच, यानी ए प्लस एच हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। अब देखो क्या करेंगे, लिमिट, अब जहाँ पे ये जो एच रहेगा वो क्या रहेगा, एच टेंस टू जीरो, मतलब बहुत छोटी सी, बहुत छोटी है, बहुत छोटा डिजिट वैल्यू रहेगी, ठीक है, इतना ध्यान रखो आप। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एच, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जहाँ एक्स है वहाँ हमको क्या लिखना है फलन में, ए माइनस एच की लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन क्या है अपने पास, ये साइन वन अपॉन एक्स माइनस है, तो ये साइन मेरा एज इट इज़ है, वन अपॉन एक्स की जगह क्या लिख दूंगा मैं, ए माइनस एच माइनस ए, तो ये ए से ए क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो क्या बचा मेरे पास, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन माइनस वन बाई एच। अब जैसे ही मैं इस एच की वैल्यू क्या पुट करूँगा, जीरो पुट करूँगा, जैसे ही मैं एच की वैल्यू जीरो पुट करूँगा मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन वन अपॉन जीरो, और साइन वन अपॉन जीरो क्या होता है, साइन इनफाइनाइट, और साइन इनफाइनाइट वाली साइन के ऊपर कितना ही थीटा लगा दो, साइन की वैल्यू क्या कहाँ से कहाँ तक होगी, माइनस वन से लेकर प्लस वन तक, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, मतलब कोई एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, एल एच एल की वैल्यू आ गई है, ठीक है, मतलब साइन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन से एक के बीच क्या करेगी ये रहेगी, इसके बीच में कुछ भी हो सकती है। अब हम क्या निकालेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे हम, एक्स की जगह क्या लिख देंगे, ए प्लस एच, ठीक है, वही बाकी सारी वही चीज़ें, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ओप ए प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जहाँ जहाँ फंक्शन, फंक्शन क्या है अपने पास, साइन वन अपॉन ए प्लस एच माइनस ए, यहाँ से ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, लिमिट, ये लिमिट साथ में लिखते जाना है अपन जब तक एच की वैल्यू नहीं लिखेंगे, साइन वन बाई एच, जैसे ही मैं एच की वैल्यू जीरो पुट करूँगा क्या आएगा मेरे पास, साइन वन बाई जीरो, यानी साइन क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, और वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन से लेकर प्लस वन, ठीक है। एल एच एल की वैल्यू भी क्या आ गई, माइनस वन से लेकर प्लस वन, और आर एच एल की वैल्यू भी क्या आ गई, माइनस वन से लेकर प्लस वन, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चों का सब आंसर डायरेक्ट आ रहा है अभी, ये क्या है, यहाँ पे अस्तित्व है, लेकिन हमको प्रूव क्या करना है, अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। तो केवल आप वैल्यू देख के डिसाइड मत कर लेना कि एल एच एल की वैल्यू भी माइनस वन से प्लस वन आ रही है, और आर एच एल की भी क्या आ रही है, माइनस वन से लेकर प्लस वन। तो भैया एक चीज़ आप ये भी तो देखो, आप इनको केवल ये वैल्यू देख रहे हो, अरे आप ये देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि माइनस एक से लेकर प्लस एक के बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकती है, और यहाँ पे भी सेम चीज़ वही है कि माइनस वन से लेकर प्लस वन के बीच में कुछ भी चीज़ हो सकती, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मतलब इसकी भी वैल्यू फिक्स नहीं है और इसकी भी वैल्यू फिक्स नहीं है, मतलब ये सेम कैसे हो जाएंगे, जब इनकी वैल्यू ही फिक्स नहीं है तो ये सेम कैसे हो सकते हैं, ठीक है, सेम हो ही नहीं सकते, मतलब इनके मान क्या आएगा हमेशा, इनका मान क्या आएगा हमेशा, मतलब अपरिमित मान आएगा, मतलब कोई फिक्स है ही नहीं इनका, ठीक है ना। तो अब हम इसमें क्या क्या कहेंगे, इसका अस्तित्व क्या बोल सकते हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, और ये क्या होगा, अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा, सिंपल सी बात है, इतनी सी चीज़ देखनी थी हमको, बस कंफ्यूजन यही होता है माइनस एक से लेकर प्लस एक में, स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि ये दोनों सेम ही है, नहीं सेम नहीं है, ये वैल्यू इसके बीच में क्या कर रही है, ये दोलन कर रही है एक तरह से, ठीक है ना, कि माइनस एक से एक के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, आर एच एल की भी माइनस एक से लेकर प्लस एक में कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये क्या हुआ है, कि इसका अस्तित्व है या नहीं, तो इसका अस्तित्व नहीं होगा।
जो एग्जांपल नंबर फोर्थ है वो बहुत इजी है, उसको भी हमने जो इसे मेथड किया LHL और RHL वैसे ही करना है। तो आप उसको सॉल्व करके देखना, इजी है वैसे, हो जाएगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और किसी को कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर देना, मैं उसके सॉल्व जो भी रहेगा सॉल्व उसका फ़ोटो भेज दूँगा आपको। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर फाइव, ये भी ईजी था लेकिन थोड़ा समझाने वाला था तो मैंने समझा दिया, समझाने के तरीके से इसको सॉल्व करना उचित समझा कि वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू हमको दे रखी है ये ब्रैकेट एक्स। अब इस ब्रैकेट का क्या मतलब है, इस ब्रैकेट का आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, ग्राफ अलग अलग तरह के ग्राफ पढ़े होंगे आपने उसमें, या वहाँ हम समझते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, फलन वाला चैप्टर पढ़ा ना उसमें हमने पढ़ा था कि ये वाले ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, महत्तम पूर्णांक फलन यानी क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या होता है समझ लेते हैं थोड़ा, कि इसमें जैसे इस एक्स की वैल्यू मैंने रख दी 1.2, तो बाहर कौन सी वैल्यू निकलेगी, बाहर हमेशा क्या निकलेगी, वन। मतलब इसमें की वैल्यू आती है वो हमेशा क्या आती है, महत्तम पूर्णांक फलन यानी राशि हमेशा क्या रहती है, पूर्णांक में रहती है, यानी 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 इस तरह से पूर्णांक राशि रहती है। ठीक है ना, इंटीजर रहता है। तो 1 पॉइंट मतलब डेसिमल वाली संख्या इसमें नहीं आती है। तो जैसे ही ये ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगी, ये पूर्णांक राशि में बदल जाएगी। अब पूर्णांक राशि कौन सी आएगी, अब 1.2 के बाद तो 2 भी आता है और उसके पहले 1 आता है, तो 2 आएगा या 1 आएगा वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो जो भी राशि दे रही है उससे जस्ट छोटी पूर्णांक जो राशि होगी यानी 1.2 से जस्ट छोटी पूर्णांक राशि कौन सी है हमारे पास, 1। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1। जैसे मैं एक चीज़ लिखूँ -1.2 आएगा, तो इससे जस्ट छोटी कौन सी आएगी, -1 नहीं -2, क्योंकि -1.2 से छोटी कौन सी है, -2 है ना। छोटी संख्या लिखनी है हमको, कौन सी लिखनी है, जस्ट छोटी, क्या लिखनी है हमको, जस्ट छोटी। तो -1.2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो इस तरह से हमको क्या आनी चाहिए बार, मतलब इसका मान, इसकी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इस ब्रैकेट का मतलब क्या है। बाकी तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब देखना आप क्वेश्चन करते हैं, इसमें भी हमको प्रूव करना है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू वन यानी पॉइंट क्या है हमारे पास, 1 है, और फलन एफ ओ पर एक्स का अस्तित्व नहीं होगा। इसमें भी कोई ऐसा नहीं दे रहा है कि एप्सिलॉन डेल से करो, तो हम हमारे इजी मेथड से करेंगे। इजी मेथड कौन सा है हमारे पास, LHL निकालेंगे। क्या करते हैं, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ क्या कर देंगे, 1 -H करेंगे। इस बार मैंने 1 क्यों लिया, क्योंकि हमको पॉइंट क्या दे रखा है, एक्स टेंड्स टू 1। ठीक है ना, प्रूफ किस पे करना है, 1 पे प्रूफ करना है। तो देखो एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 -H। अब क्या लगाऊंगा, वही लिमिट वाला फॉर्मूला कि एच टेंस, जहाँ एच क्या होगा, एच टेंस टू 0, एफ ऑफ 1 -H, लिमिट एच टेंस टू 0, जहाँ जहाँ फंक्शन में एक्स है वहाँ मैं क्या कर दूंगा, 1 -H। फंक्शन क्या है हमारे पास कि ब्रैकेट 1 -H। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये h क्या है, मैंने बोला h बहुत छोटी वैल्यू है, मतलब 0 के लगभग बराबर वैल्यू है। ठीक है, तो भी मैं 1 में से माइनस करूँगा तो वैल्यू 1 से छोटी होगी, ऐसा तो नहीं है बढ़ जाएगी, भले कितनी भी छोटी वैल्यू हो, यदि उसको 1 में से माइनस कर रहे हैं मतलब वो पॉइंट, मतलब 0.999 हो सकती है वो, लेकिन होगी तो वो क्या होगी, 1 से छोटी, और मतलब इस वाली टर्म में होगी, और फिर हम उसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो वो हमेशा क्या निकलेगी, 0 बार निकलेगी। मतलब 1 से छोटी वैल्यू है तो उसका महत्तम पूर्णांक फलन क्या निकलेगा, बार 0, क्योंकि उससे जस्ट छोटी संख्या पूर्णांक कौन सी आएगी, 0। ये चीज़ हमको यहाँ पे समझनी है। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, LHL। अब हम इसका निकालते हैं RHL। RHL में हम क्या करेंगे, x की जगह क्या लिख देंगे, 1 + H। ठीक है, यानी क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 + H। अब देखो 1 में भले कितनी भी छोटी वैल्यू जोड़ो, हमेशा वो संख्या 1 से बड़ी होगी, मतलब 2 से तो छोटी होगी लेकिन 1 और 2 के बीच में होगी, और 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू आती है इस ब्रैकेट में तो बाहर क्या निकलेगा, उसका महत्तम पूर्णांक फलन हमेशा क्या निकलेगा, 1। क्योंकि हमने क्या बात की, यदि 1 और 2 के बीच में कोई संख्या आ रही है तो उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर बाहर निकलता है, छोटा वाला कौन सा रहेगा यहाँ पे, 1। LHL की वैल्यू आई अपने पास 0 और RHL की वैल्यू क्या आई अपने पास, 1, यानी ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते, तो क्या आ जाएगा, ये नॉट इक्वल, और नॉट इक्वल है तो अस्तित्व हो ही नहीं सकता। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, हमारा एग्जांपल नंबर 6 है। क्या है एग्जांपल, हमको फंक्शन दे रखा है, फंक्शन इस तरह, इस बार थोड़ा अलग फंक्शन है, यदि एक्स अपरिमेय संख्या होगी तो उसके लिए फंक्शन क्या है, एक्स, और यदि एक्स अपरिमेय संख्या होगी तो उसके लिए फंक्शन क्या है अपने पास, -X, यानी दोनों संख्याओं के लिए फंक्शन अलग अलग है। हमको प्रूव क्या करना है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, मतलब इस बिंदु पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या होगा, फंक्शन का क्या होगा,
फंक्शन की सीमा क्या होगी, उसका क्या होगा, अस्तित्व होगा, और पॉइंट क्या होगा हमारे पास, ए बराबर जीरो पर अस्तित्व होगा। तो देखो सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में एक दो बार आया हुआ है, तो अच्छा से ईजी है लेकिन इम्पोर्टेंट है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो अशून्य संख्याओं के लिए निकालेंगे हम, ये तो हमको शून्य के लिए प्रूव करना है, लेकिन सबसे पहले अशून्य निकालेंगे, अशून्य परिमेय संख्याओं के लिए, क्योंकि देखो जीरो तो क्या है हमारा, जीरो क्या होता है, देखो अपरिमेय होता है या परिमेय होता है, सबसे पहले तो ये बताओ आप, जीरो हमेशा क्या रहेगा, परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो जीरो में तो कोई टेंशन नहीं है, जीरो का हम लास्ट में निकालेंगे, पहले हम अशून्य परिमेय संख्याओं के लिए निकाल लेते हैं। मतलब क्वेश्चन कहना चाह रहा है, सीधा सा है कि ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो ये वाला जो फंक्शन है, ये फंक्शन की सीमा का अस्तित्व केवल जीरो पर ही अस्तित्व होगा इसका, बाकी कोई संख्या पर इसका अस्तित्व नहीं होगा, ये हमको प्रूव करना है। आगे चीज़ समझ में, ये बोल रहा है केवल जीरो पर ही अस्तित्व होगा, और किसी संख्या पर मतलब अशून्य, मतलब जीरो के अलावा कौन सी सारी अशून्य संख्याएं या नॉन जीरो नंबर्स, उन पर अस्तित्व नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं अपने क्या अशून्य परिमेय संख्याओं का, निकाल लेते हैं पहले अशून्य परिमेय के लिए संख्या आप लिख लेना, ठीक है। क्या निकालेंगे सबसे पहले, अशून्य परिमेय संख्याओं के लिए फंक्शन क्या होगा, देखो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, परिमेय संख्या जब भी होगी क्या आएगा, फंक्शन एक्स आ जाएगा। इसके लिए भी वही एलएचएल निकाल लो, एलएचएल निकालेंगे यानी एक्स की जगह मैं क्या लिख दूँगा, पॉइंट क्या है अशून्य, अशून्य के लिए मैंने जैसे कोई पॉइंट ले लिया, ए ले लिया, कोई भी वैल्यू हो सकती है, माइनस क्या कर लिया, एच कर लिया। तो क्या करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, ठीक है। तो ये लिमिट एच टेंस टू जीरो, इस ए माइनस एच को कहाँ रखूँगा मैं, फंक्शन में, फंक्शन क्या है एक्स, यानी क्या आ जाएगा मेरे पास, ए माइनस एच ही आ जाएगा, ठीक है। और जब एच की वैल्यू जीरो रुकूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, ए। ऐसे मैं क्या निकालूँगा, आर एच एल, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए प्लस एच, तो क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन क्या है मेरे पास, एक्स ही है, यानी ए प्लस एच कहाँ रख दूंगा मैं, डायरेक्ट रख दूंगा ए प्लस एच, जब एच की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। यानी ये दो वैल्यूज तो सेम आ गई, ये तो चलो ठीक है, ये तो किसके लिए निकाला हमने, परिमेय संख्याओं के लिए। ऐसे ही मैं किसके लिए निकालूंगा, अशून्य अपरिमेय संख्याओं के लिए, जब मैं अशून्य अपरिमेय संख्याओं के लिए निकालूंगा तो देखो क्या आएगा, उसके लिए फंक्शन क्या है, सबसे पहले बड़ी बात तो माइनस एक्स, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है हमको कि जब भी हम अपरिमेय संख्याओं का यूज़ लेंगे तो उसके लिए फंक्शन क्या रहेगा, माइनस एक्स, ठीक है। तो ये भी माइनस एक्स आ गया, इसके लिए भी वो क्या निकालेंगे, एल एच एल, एल एच एल में क्या होता है, एक्स बराबर क्या लिखते हैं, ए माइनस एच। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ओ ए माइनस एच, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो इस a माइनस एच को मैं कहाँ लिखूँगा, फंक्शन में, तो माइनस तो पहले से एज इट ही चल रहा है, और ये क्या हो जाएगा, a माइनस एच। तो देखो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ए प्लस एच, और h की वैल्यू तो जीरो है, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ए। ऐसे मैं क्या निकालूँगा, आर एच एल, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, लिमिट h टेंस टू जीरो क्या आ जाएगा, माइनस ए प्लस एच, क्योंकि फंक्शन क्या है, माइनस, और x की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, a प्लस एच। तो देखो क्या आ जाएगी, एच की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, माइनस ए, ठीक है। जब हम परिमेय संख्याओं के लिए निकालते हैं तो एल एच एल और आर एच एल की वैल्यू क्या आती है, ए, और जब अपरिमेय संख्याओं के लिए निकालते हैं तो वैल्यू क्या आती है, माइनस ए और माइनस ए। मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के लिए ही सेम नहीं है, मतलब ये अशून्य संख्याओं के लिए क्या होगा, इसका अस्तित्व नहीं होगा। अब हम किस पर निकाल के देख लेंगे, जीरो पर निकाल के देख लेंगे, जीरो का मैं सिंपल यही निकाल देता हूँ, जीरो पर, जीरो पर निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो एक्स बराबर क्या रख दूंगा, जीरो माइनस एच रख दूंगा एक बार एल एच एल के लिए, तो देखो क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है। यदि जीरो के लिए यदि मैं निकालता हूँ, यदि जीरो के लिए निकालता हूँ तो जीरो तो क्या है मेरा, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याओं के लिए फलन क्या है अपने पास, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स है, यानी डायरेक्ट मैं क्या लिख दूंगा, जीरो माइनस एच, और जीरो माइनस एच की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ऐसे ही मैं एल एच एल आर एच एल निकालूंगा तो क्या आएगा, जीरो प्लस एच, और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि एच की वैल्यू क्या होती है, जीरो। यानी दोनों जीरो जीरो आ गए, मतलब क्या हो गए, एल एच एल बराबर आर एच एल,
यानी जीरो पर अस्तित्व होगा केवल, अशून्य संख्याओं पर अस्तित्व नहीं होगा। अशून्य संख्याओं पर अस्तित्व कब होता है? जब हम परिमेय के लिए निकाला और अपरिमेय के लिए निकाला, चारों वैल्यू कुल मिला के परिमेय की आरएचएल और एलएचएल और अपरिमेय की एलएचएल और आरएचएल चारों वैल्यू सेम आ जाती है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके अशून्य संख्याओं पर भी इसका अस्तित्व होता है, लेकिन वैल्यूज़ अलग अलग आई, इसका मतलब केवल जीरो पर ही इसका क्या होता है, अस्तित्व होता है। यह हमारा एग्जांपल नंबर 7 है। देखो हमको क्या दे रखा है, फंक्शन की वैल्यू दे रखी है के माइनस वन, और एक चीज़ और हमको गिवन है कि जो एक्स की वैल्यू है वो के माइनस वन से बड़ी है और के से छोटी है। हमको प्रूव क्या करना है कि एफ ऑफ के प्लस जीरो निकालना है और एफ ऑफ के माइनस जीरो निकालना है, और बताना है कि ये दोनों वैल्यू कभी इक्वल नहीं होगी। उसके लिए देखो एक चीज़ हमको पहले से गिवन है, ये वाली, इसको सोल्व करना पड़ेगा थोड़ा। के क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में क्या क्या है, पूर्णांक है, ठीक है ना। पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 माइनस वन सारी वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे हम पुटअप कर सकते हैं। तो जब से पहले मैं वैल्यूज़ पुटअप करूँगा कि यदि जब के बराबर वन लिखूँगा मैं, तो ये वैल्यू कितनी होगी, देखो के बराबर वन लिखूँगा तो के की जगह वन आएगा, तो क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू होगी जो जीरो से तो बड़ी और वन से छोटी, और इस जगह फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, फंक्शन क्या है, के माइनस वन यानी वन माइनस वन क्या हो जाएगी, जीरो। ऐसे k बराबर टू लिखूँगा तो क्या आ जाएगा, देखो k बराबर टू लिखूँगा, टू माइनस वन क्या हो जाएगा, वन, ये x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, टू माइनस वन कितना हो जाएगा, वन। ऐसे k बराबर तीन लिखूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x की वैल्यू है जो दो से तो बड़ी हो जाएगी और तो तीन से छोटी हो जाएगी, और यहाँ पर फलन का मान कितना हो जाएगा अपने पास, तीन माइनस एक कितना हो जाएगा, दो। बस ये इतनी इनफ है, अब हम सोल्व कर लेंगे, बहुत आसान हो गया है। तो अब हमको क्या निकालना है, देखो सबसे पहले हमको निकालना है एफ ओ के प्लस जीरो, यानी कौन सी लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट निकालनी है हमको, ठीक है ना। कौन सी लिमिट निकालनी है हमको, राइट हैंड लिमिट हमको निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले राइट हैंड लिमिट हमको पता है कैसे निकालते हैं, कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, यही होता है ना, लिमिट एच टेंस टू जीरो। देखो एफ ओ के प्लस जीरो मतलब क्या है, हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, ठीक है ना, यानी लिमिट एस टेंस टू जीरो, और हमको क्या लिखना है, जहाँ जहाँ मतलब किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, जीरो पे, यानी जहाँ जहाँ के होगा वहाँ हम क्या लिख देंगे, जीरो प्लस एच लिख देंगे, ठीक है ना। ये तो इसका साइन है, राइट हैंड लिमिट का क्या है, साइन है, कि पॉजिटिव वाली लिमिट कौन सी होती है, राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना, कि लिमिट एस टेंस टू जीरो और पॉइंट कौन सा है, ये जीरो, तो जीरो प्लस एच। अब देखो इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है हमको, कोई फंक्शन वंक्शन का यूज़ लें, इसलिए हमने ये वैल्यू निकाली, कि जब क्या हो कि फंक्शन की वैल्यू क्या हो, जीरो से एच के बीच में हो, यानी जीरो में कुछ ऐड करेंगे तो वो क्या होगी, जीरो से एक के बीच में हो, तो जीरो से एक के बीच में वैल्यू आने पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा जीरो। ऐसे हम क्या निकालेंगे, एफ ओ के माइनस जीरो, क्या निकालेंगे हम, के माइनस जीरो, के माइनस जीरो, सॉरी यह एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पे हमको पॉइंट, ये जीरो अलग चीज़ है, ये तो हमको केवल बता रखा है लेफ्ट हैंड साइड के लिए, हम कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, यानी के बराबर वन ले लेंगे, वन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जीरो तो एच के लिए आया हुआ है, और के की कोई भी एक वैल्यू ले लो आप, जैसे वन ले ली, तो कि वन पे हम निकाल के देख लेते कि क्या आएगी हमारे पास, वन प्लस एच, यानी राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं कि वन प्लस एच। तो बताओ के का मतलब ऐसी कौन सी वैल्यू है जो वन और टू के बीच में आएगी, क्योंकि वन में कुछ ऐड करेंगे तो वन और टू के बीच में रहेगी, यानी वन और टू के बीच में जब एक्स की वैल्यू आती है तो उसकी उस टाइम फलन का मान क्या होता है, वन। जब अब यहाँ पे के माइनस जीरो निकाल रहे हैं तो इसके लिए क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर क्या आएगा, वन माइनस एच, यानी जब एक्स की वैल्यू क्या हो, वन और टू के बीच में हो, नहीं वन से छोटी हो, यानी जीरो और वन के बीच में हो, तो उस टाइम फलन की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। और ये दोनों वैल्यूज़ क्या है, इक्वल नहीं है, मतलब एफ ओ के प्लस जीरो नॉट इक्वल टू एफ ओ के माइनस जीरो, यही तो हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो ये हमने कुछ सात पांच सात एग्जांपल किए, टोटल सात एग्जांपल है ये हमने कंप्लीट किए हैं, ठीक है ना। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर जो लिमिट है उसके एग्जाम्पल्स है, ज़्यादा टाइम ले लिया है हमने और एग्जाम्पल साथ ही किए, कोई दिक्कत नहीं, अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी निपटाए, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार जिनके जिन्होंने ये क्वेश्चन वैसे आते होंगे सबको मेरे हिसाब से, लेकिन जिनको कोई क्वेश्चन किसी एग्जाम्पल में दिक्कत हो तो वो देख ले वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें, ठीक है। और अब हम बहुत जल्दी जल्दी वीडियोज़ लाने वाले हैं, ठीक है, तो आप तैयार है, और लेकिन अपनी स्टडी अपने रूप से बिल्कुल चालू रखें, ठीक है ना।
ओके, थैंक यू।